हेलो दोस्तों, दिस इज सतपाल और आप देख रहे हैं एसपी ड्राइंग। प्रिय छात्रों, आज हम सीखने आ रहे हैं लौकी का चित्रण। तो सबसे पहले हमें नीचे की साइड से एक 15 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे और 15 सेंटीमीटर लाइन में नीचे वाली साइड से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेना है और ऊपर से 2 सेंटीमीटर दूरी कम करना है। फिर नीचे वाली साइड में 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाएंगे और ऊपर वाली साइड में प्रकार में 1 सेंटीमीटर दूरी लेके 2 सेंटीमीटर आकृति का वृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त। और पेज को उल्टा करके नीचे वाली साइड से गोल करके इन आकृतियों को आपस में मिला देना है तो लौकी की एक साइड बन जाएगी। अब पेज को दोबारा से घुमाएंगे। दोबारा से घुमाने के बाद ऊपर वाली साइड से गोले को बीच वाली लाइन से टच करते हुए छोटी वाले अर्धवृत्त से मिलाएंगे और ऊपर साइड में छोटी सी टहनी बनाएंगे लौकी की। इस प्रकार से हमारी लौकी तैयार हो जाएगी। और छाया व प्रकाश दर्शाने के लिए नीचे वाली साइड से छाया की आकृति का स्केच कर लेंगे। चलिए हम इसमें सेट करते हैं। अब क्योंकि ऊपर वाली साइड से सूर्य का प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु पे, तो नीचे वाली साइड में हम डार्क शेड देते हैं। लौकी के चित्रण में क्योंकि इसका कलर जो होता है वो लाइट कलर का होता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा शेड को डार्क नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का शेड देना है। और कॉटन द्वारा शेड को मिक्स कर देंगे ताकि जो हमने शेड किया है उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाए। इस साइड में हमने डार्क शेड दिया है, उस साइड में आउटलाइन के जरिए क्लियरिटी करेंगे ताकि चित्र में सुंदरता बढ़ जाए। जिस साइड में लाइट शेड है उस साइड को डार्क नहीं करना है। जो हमने छाया दिखाई है उस छाया में आपको आउटलाइन नहीं देना है। क्योंकि प्रकाश वाली साइड में आउटलाइन बिल्कुल हल्की ही दिखाना है, इसलिए हम प्रकाश वाली साइड में डार्क आउटलाइन नहीं देंगे। तो इस प्रकार से हमारी लौकी का चित्रण बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। जगह जगह पे जहाँ पे सफेद पॉइंट छूटे हुए हों वहाँ पर पेंसिल शेड द्वारा दोबारा से शेड कर देंगे। इस प्रकार करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नई से नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे टाइम से देख सकें।